राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान के स्थान पर रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल लाए जाने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का आरोप है कि इससे भू माफियाओं को बढ़ावा मिलेगा। पायलट के अनुसार पिछले कुछ समय से प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा मास्टर प्लान के खिलाफ जाकर हुए निर्माणों का नियमन किया गया है। इस पर न्यायालय ने कठोर आपत्ति व्यक्त की है और अनेकों बार ऐसे भू उपयोग परिवर्तन को पूरी तरह से गलत करार दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा 35 बिंदुओं के आधार पर अतिक्रमणों के नियमन और भू रूपांतरण पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इसका तोड़ निकालने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार रीजनल और अर्बन प्लानिंग बिल लाने की तैयारी कर रही है। इससे अनियोजित विकास को गति मिलेगी और भू उपयोग परिवर्तन भी आसानी से किया जा सकेगा। पायलट का आरोप है कि सरकार शहरी नियोजन के साथ खुला खिलवाड़ कर भू माफियाओं की बाधाएं खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को हट धर्मिता छोड़कर मास्टर प्लान की अनुपालना करनी चाहिए और नए बिल को लाने का विचार छोड़ देना चाहिए।